दोस्तों, किसी भी अमीर व्यक्ति का नाम लीजिए और बताइए कि वे कितने पढ़े लिखे हैं। कुछ नाम हैं जैसे धीरूभाई अंबानी, अदानी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, नरेंद्र मोदी एक्सेट्रा। अब यह देखिए कि उनकी तुलना में आप कितना पढ़े हैं। हम में से बहुत से लोग तो PhD भी कर रखे होंगे, लेकिन ऐसे लोग सिर्फ 9 से 5 वाली जॉब कर रहे हैं और एक बंधी बंधाई सैलरी प्राप्त कर रहे हैं, जिससे वे ऊपर बताए गए नामों जितने अमीर कभी नहीं बन सकते। तो आखिर ऐसा क्यों है? नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स गाइड में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं क्यों कुछ लोग लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और कुछ लोग हमेशा अभावों में जीते रहते हैं। इस बुक में अमीरी के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है, जिन्हें समझकर आपको भी अमीर बनने में मदद मिलेगी। फर्स्ट, सही कैश फ्लो क्वाड्रेंट में एंटर करने से आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। दोस्तों, 4 तरह के कैश फ्लो क्वाड्रेंट होते हैं। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो सबसे पहले रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड और रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक समरी जरूर सुने। इन दोनों बुक समरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और ऊपर आई बटन में भी अवेलेबल है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी ऐप लेकर आई हूँ जो वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक्स की ऑडियो बुक्स प्रोवाइड कराती है, जो आप कहीं से भी सुन सकते हैं। इंडिया की बेस्ट ऑडियो बुक समरी ऐप कुकू FM पे आप 10,000 से भी ज्यादा समरीज सुन सकते हैं, जिन्हें सुनकर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। ये बुक्स आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगी। आप इस ऐप को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल सब्सक्रिप्शन 399 रुपये में अवेलेबल है, पर क्योंकि आप हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर गाइड से इस ऐप को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हम आपको 50% ऑफ यानी कि 199 रुपये में दिलाने में हेल्प करेंगे। आप 50% ऑफ पाने के लिए हमारा कूपन कोड DVOBF3577 जरूर यूज करें। अब बात करते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट की। ब्रीफ में बताएं तो 4 कैश फ्लो क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट, ई, एम्प्लॉय के लिए। एस, स्मॉल बिजनेस के लिए। बी, बिग बिजनेस के लिए। और आई, इन्वेस्टर के लिए। स्कूल में हमें जो भी शिक्षा मिलती है वह हमें केवल ई और एस क्वाड्रेंट में रहने के लिए तैयार करती है, लेकिन इन कैश फ्लो क्वाड्रेंट में रहने से आप गरीब बने रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। आप कितना कमा सकते हैं इसकी एक लिमिट है, जो आपकी सोच को भी लिमिट में रखती है। आपने देखा होगा कि जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं या जो ए ग्रेड वाले हैं, वे बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर आदि ही बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत ज्यादा सैलरी मिलेगी और इससे वे अमीर बन जाएंगे। लेकिन यही गलत सोच है। उस सैलरी से वो लोग कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, बल्कि 65 साल तक जॉब में ही पिसते रहेंगे। वे हमेशा ई और एस क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। यह क्वाड्रेंट अमीर लोगों का नहीं है। अगर आपको अमीर बनना है तो बी और आई क्वाड्रेंट में जाना होगा। आगे आप पढ़ेंगे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। दूसरी ओर जो बच्चे कम मार्क्स लाते हैं या बी और सी ग्रेड वाले होते हैं, वे आगे चलकर बहुत बड़ी कंपनी चला लेते हैं। इसका कारण यह है कि उनमें नेटवर्किंग स्किल होती है, साथ ही उनके पास टाइम ही टाइम होता है। पढ़ाकू बच्चों के पास बिजनेस आदि के लिए टाइम ही नहीं होता। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो 2 चीजें करें। एक तो नेटवर्किंग करें, जो आप सोशल मीडिया जैसे लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा से भी कर सकते हैं, और दूसरा जॉब से कुछ टाइम निकालें और अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश करें। एक सफल बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके लिए पीटर थिल के द्वारा लिखी गई बुक 0 to 1 जरूर पढ़ें। इस बुक की समरी भी आप कुकू FM ऐप से सुन सकते हैं। सेकंड, यदि आप अपने बच्चे को आर्थिक रूप से इलिटरेट बनाना चाहते हैं तो उन्हें पैसे दें। आपने देखा होगा कि अमीर लोगों के बच्चों को सब कुछ अपने पेरेंट्स से मिल जाता है, फिर चाहे वह महंगा फोन हो, गाड़ी हो या ब्रांडेड कपड़े, लेकिन इस तरह से इन बच्चों में फाइनेंशियल समझ डेवलप नहीं हो पाती। उन्हें पैसे की वैल्यू का पता नहीं चल पाता। ऐसे बच्चे आगे चलकर बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं, उनके बिजनेस भी डूब जाते हैं।
इसके उल्टा गरीब या मिडिल क्लास के बच्चे जिन्होंने हर चीज की कमी देखी होती है बहुत बार मिलीनियर और बिलीनियर बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी या अदानी एक्सेट्रा, क्योंकि उनमें पैसों की समझ विकसित हो गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको अचानक से 1 करोड़ रुपए मिल जाएं तो आप क्या करोगे, बहुत से लोग बोलेंगे कि गरीबों को दे देंगे या फैमिली वालों की मदद करेंगे, लेकिन यह उचित तरीका नहीं है। कोई समझदार व्यक्ति उस पैसे से एक बिजनेस लगाएगा, वह बिजनेस हमेशा पैसा कमाता रहेगा और उस बिजनेस की वजह से हजारों लोगों को जॉब मिलेगी और हजारों के घर का चूल्हा जलेगा। बहुत सी चैरिटी भी की जा सकती है। थर्ड, गरीब लोग फाइनेंशियल एडवाइस की तलाश करते हैं जबकि अमीर फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं और अपने बच्चों को भी ऐसा करना सिखाते हैं। ज्यादातर केसेस में लोग बस दूसरों से ही सलाह लेते रहते हैं, जैसे कौन सी FD करवानी चाहिए, कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, किस शेयर में पैसा लगाएं एक्सेट्रा। लेकिन इससे आपको गलत सलाह मिलती है और आप कभी भी अमीर नहीं बन पाते, साथ ही आपका नॉलेज भी लिमिटेड रह जाता है। आपका दोस्त जो आपके जैसा ही है आपको क्या सलाह देगा, उसने जो किसी से सुना होगा वही आपको बता देगा। लेकिन इसके विपरीत अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वे प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं, या तो कोई सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं या फाइनेंस की बुक्स पढ़ते रहते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर्स गाइड पर आपको फाइनेंस की बहुत सी बुक्स समरी मिल जाएंगी। हम रोज एक ऑडियो बुक अपलोड करते हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। इन्हें रोज सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बुक्स रोज आप तक पहुंच जाएं। शुरुआत समरी से ही कीजिए, उसके बाद आप पूरी बुक पढ़ सकते हैं। इससे आपको समझने में आसानी होगी। आप बुक किसी लाइब्रेरी से ले सकते हैं या फिर घर बैठे Amazon से भी खरीद सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज से ही युवा लोग नौकरी लगते ही गाड़ी खरीदने लगते हैं। अगर वे रिच डैड पुअर डैड जैसी बुक पढ़ेंगे तो उनका दिमाग खुल जाएगा और उन्हें समझ आएगा कि आखिर एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या अंतर है। ऐसे ही आई विल टीच यू हाउ टू बी रिच भी अच्छी बुक है। एट लास्ट आप बुक के जरिए फाइनेंशियल एजुकेशन जरूर लें, इससे आप भी लाइफ में रिच बन सकते हो। दोस्तों, उम्मीद है वाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स समरी से आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और आपको अगली कौन सी बुक की समरी चाहिए ये भी कमेंट में बताएं। थैंक यू गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।